14 कोस में फैली अयोध्या नगरी, जिसका क्षेत्रफल भले ही कम है, छोटा है, लेकिन ये शहर अब बहुत बड़ा हो चुका है। और अभी ही नहीं, इस शहर का, इस क्षेत्र का काफी ज्यादा महत्व है। ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। तो हम आ चुके हैं इसी धार्मिक और पौराणिक महत्वों वाले अयोध्या नगरी में। जब से भूमि पूजन हुआ है, तब से धीरे धीरे यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। दक्षिण भारत से भी आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी है। पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा पर्यटन स्थल ये बनने जा रहा है। तो हम भी आ चुके हैं, और इस बार मैं अपने निजी यात्रा पर हूँ, निजी धार्मिक यात्रा कह सकते हैं, जो कि मम्मी पापा के साथ है। लेकिन मेरा मुख्य मकसद है आपको अयोध्या के दर्शन कराना और ये बताना कि कौन कौन से स्थान हैं जहाँ की अगर आप आते हैं तो दर्शन कर सकते हैं। इस वक्त मैं अयोध्या में आ चुकी हूँ, गुप्तार घाट पर हूँ। आपको दो चीज़ें दिखाऊंगी जो कि यहाँ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक, सरयू का घाट, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सरयू का घाट है। अभी शाम का वक्त है, लगभग 5 बज रहा है, और यही वो समय होता है गर्मी में अगर आप यहाँ आ रहे हैं, जबकि यहाँ नौका विहार का आप आनंद ले सकते हैं। नौका विहार के साथ साथ यहाँ सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। अभी सूर्यास्त बस कुछ ही देर में होने वाला है। यहाँ गाय काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ भी आप जाएंगे ये देखिए आपको गौ माता यहाँ हर तरफ नज़र आएंगी। यहाँ के जो लोग हैं बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत सामान्य लोग हैं, और चूंकि बहुत कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा कोई कारोबार नहीं है, तो शाम के समय सब लोग, काफ़ी लोग जो कि फ्री होते हैं, आते हैं इस तरह से घाटों पर, अपना समय व्यतीत करते हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग यहीं के हैं, लोकल हैं, बाहरी नहीं है हमारे जैसे। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये घाट मैंने आपको दिखा दिया, दूसरी तरफ ये तमाम मंदिर हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंदिर श्रृंखला है। तो ये इन मंदिरों को देख करके आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसा लग सकता है आपको कि आप आज भी किसी आधुनिक युग में नहीं हैं, आप आज भी उसी पौराणिक काल में खुद को महसूस करेंगे जैसा कि प्रभु श्री राम के समय में रहा होगा। यहाँ लगभग घर घर में मंदिर है, हर घर में मंदिर है, हर हर गली चौराहे पर एक बड़ा मंदिर आपको दिख जाएगा, हर घर में एक छोटा मंदिर तो कम से कम अमूमन आपको दिख ही जाएगा। बेहद शांत वातावरण, सरयू का किनारा, हर तरफ मंदिर ही मंदिर। कहीं से भी आपको ये शहर एक आधुनिक शहर नहीं लगेगा, बल्कि अगर आप आधुनिकता से काफ़ी ऊब गए हैं, महानगरों में रह के आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए हैं, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि धर्म, आध्यात्म, श्रद्धा, भक्ति, इसके साथ साथ आपको एक अलग एहसास भी देता है। आप पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, आप समंदर किनारे घूमने जाते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, इस नगरी में घूमने आइए, आपको इतना अद्भुत एहसास मिलेगा। चाहे आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से आप बिलोंग करते हों, लेकिन शांति आपको हर किसी को चाहिए होती है, और वो शांति आपको यहाँ पर उसकी अनुभूति होगी, उसका एहसास होगा अगर आप अयोध्या में आते हैं। तो चलिए अब अपनी यात्रा की हम शुरुआत करेंगे इसी गुप्तार घाट से, और आगे आपको और भी तमाम जगहों को दिखाएंगे। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी वो जगह है जहाँ आप सबसे पहले दर्शन कीजिए, हनुमान जी से आज्ञा लीजिए, क्योंकि वो अयोध्या के राजा भगवान राम द्वारा बनाए गए थे। उनके जाते जाते उन्होंने उनको अयोध्या सौंपी थी, तो उनकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले अयोध्या के कोतवाल से आपको परमिशन लेनी होती है, आज्ञा लेनी होती है, और उसके बाद ही आप भ्रमण कीजिए। तो हम सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, और उसके बाद इन तमाम मंदिरों में भी हम आएंगे, दर्शन करेंगे। अभी तो हम घाट पर आए हुए हैं, गुप्तार घाट के भी हम दर्शन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर बाहरी लोगों को नहीं पता कि रामलला और हनुमानगढ़ी के अलावा भी कोई ऐसा स्थान है जहाँ के दर्शन किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी, जो कि मैंने जब भूमि पूजन के समय मैं एक न्यूज़ चैनल की तरफ से आई थी यहाँ कवरेज के लिए, तो उस समय मैंने अपने रिसर्च के अनुसार देखा कि यहाँ पर एक दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जहाँ की आप भ्रमण कर सकते हैं, जिसमें कि कनक भवन है, दशरथ महल है, नंदीग्राम है जहाँ भरत जी ने तपस्या की थी। तो ये वो गलियाँ हैं जहाँ से कि हम अब हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे हैं दर्शन के लिए, और कहा जाता है कि सबसे पहले अगर आप अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी ही दर्शन के लिए आना होता है, क्योंकि हनुमान जी से आज्ञा लेने के बाद ही आप अयोध्या में कहीं और जाइए, कहीं और दर्शन कीजिए। इसलिए हम लोग भी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में ही आए हुए हैं, क्योंकि हनुमान जी को राजा माना जाता है, भगवान श्री राम ने जाते समय उनको यहाँ का राजा बनाया था, तो उनसे इजाज़त लेने के बाद ही कहीं और दर्शन किया जाता है। तो चलिए आपको अंदर हनुमानगढ़ी में इस हनुमान कोट हनुमान जी के दर्शन कराते हैं, और उसके बाद आगे की अपनी यात्रा को हम जारी रखेंगे, कुछ और जगहों की यात्रा आपको कराएंगे, दर्शन कराएंगे।
अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर हनुमानगढ़ी का ये मंदिर है। चारों तरफ फूलमाला, मिठाई आदि की ये सब दुकानें हैं। 76 सीढ़ियों के सफर को तय करके मंदिर में ऊपर यहाँ जाना होता है और 52 बीघे में ये पूरा मंदिर परिसर है जो कि फैला हुआ है। तो परिसर में दर्शन के लिए हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी भीड़ है, सुबह के लगभग 9:15 बजे का अभी वक्त है और सभी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं, भक्तों की भरमार। यहाँ ये लाल रंग की 6 इंच की प्रतिमा है, अंजनी माता हैं जिनकी ये प्रतिमा है और इन्हीं की गोद में है बाल हनुमान। तो बाल हनुमान गोद में विराजमान है, फूलमाला से इस तरह से यहाँ पर ढका हुआ है कि हनुमान जो बहुत कम नज़र आते हैं और जो प्रतिमा नज़र आती है लाल रंग की वो माता अंजनी की है। दसवीं शताब्दी का ये मंदिर है और उत्तर भारत के हनुमान जी के सबसे लोकप्रिय मंदिर परिसरों में से इसे एक माना जाता है। कहा जाता है कि 1855 में अवध के नवाब ने इस मंदिर को मुसलमान हमलावरों के विनाश से बचाया था और कहा यह भी जाता है कि रामनगरी के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे, जिनमें से ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण और खूबसूरत मंदिर है। इसे गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हमें श्री रामलीला के दर्शन के लिए जाना है और गाड़ी से ज्यादा नहीं, 6-7 मिनट का ही रास्ता है। रास्ते में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जा रहे हैं, आप पैदल भी यहाँ रास्ता तय कर सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा वहां तक जाने में, जहां से कि आगे आपको पैदल जाना है। हाँ, तो यहाँ तो आएंगे हम लोग पापा, कल शाम को आना है यहाँ। यही जी कनक भवन बटे, कनक भवन और दशरथ कैंपस है, आप दाहिने हाथ में। अच्छा, आप भी खोल दिए, नहीं तो वहाँ जमा हो जाते हैं। तो अब पैदल हमें इन गलियों से होकर आगे रामलीला के दर्शन के लिए जाना है। ज़्यादा डेवलप नहीं है ये इलाका, आप देख सकते हैं अभी ये गलियाँ, ये रास्ते, छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर हैं और ईंट पत्थर भी इधर उधर पड़े हुए हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमें पैदल चलना है और उसके बाद जहाँ से सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगी वहाँ पर अपने सामान को हमें जमा करना होगा और उसके आगे फ़ोन, कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, वो आगे आपको नहीं ले जाने देंगे। अब रामलीला के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर इससे आगे के दर्शन मैं आपको नहीं करा पाऊँगी। यहाँ पर वो जो तमाम स्पॉट बने हुए हैं जहाँ की आप जमा कर सकते हैं, लॉकर्स बने हुए हैं, अभी जहाँ ये लॉकर्स बने हुए हैं वो आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए, लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, लॉकर्स हैं जहाँ की ये यहाँ पर फिलहाल जमा कर रहे हैं। रामलीला के दर्शन हो चुके हैं और यहाँ पर चूंकि कैमरा वर्जित था, हम फोटोग्राफी नहीं कर सकते थे। हालांकि 1 किलोमीटर के आसपास यहाँ चलना होता है, ये गलियाँ हैं, गलियाँ जो है इनमें गाय हर तरफ आपको दिखेंगी और इस तरह के छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे। मेरे पीछे आपको ये मंदिर दिख रहा होगा और इस तरह के मंदिर आपको गली गली में बहुत सारे दिखेंगे और इन तमाम मंदिरों को देखते हुए, दर्शन करते हुए लोग जाते हैं, रामलीला के दर्शन करते हैं। वहाँ से पहले कुछ लॉकर्स आपको मिलेंगे, वहाँ पर आपको अपने जो भी कीमती सामान हो आप वहाँ पर रख सकते हैं। देखिए, अभी भी काफ़ी लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए और इसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि 11 बजे ही आप 11 बजे तक ही दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद 3 से 5 के बीच में शाम का जो वक्त है उसमें आप दर्शन कर सकते हैं। मेरे साथ मेरी मम्मी हैं, इन्होंने भी दर्शन किया, मम्मी पापा दोनों और भैया भी आए हुए हैं दर्शन के लिए। दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जीवन धन्य हो गया। और कब से सोच रही थी दर्शन के लिए और आप आई? वो तो बता नहीं सकते कब से। तो इस तरह से यहाँ पर जो लोग भी आते हैं दर्शन के लिए, बहुत सारे लोग मिले जो कि जिसमें कि बहुत सारे लोग तो व्हीलचेयर पे थे। बहुत साउथ इंडियन जो पीपल हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है और मेरे साथ
पापा हैं हमारे, हमें जो यहाँ पर घुमा रहे हैं, हमें गाइड कहिए, ड्राइवर कहिए या भाई कहिए, वो भी द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, राजू भी अभी हमारे साथ हैं। आप लोगों को दर्शन करके कैसा लगा? हालांकि आप तो यहीं रहते हैं, आपके लिए तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, सबके साथ घूम के मजा आया। पापा आप अपनी भावना बताइए, क्योंकि आप कह रहे थे कि 60 साल पहले आपको सपना आया था और उस समय से आप सोच रहे थे। 60 साल पहले हम भगवान का दर्शन किए थे, बात किए थे और आज उनको देख के लगा कि सचमुच हम वही पुण्य के चरणों में पहुंचे। तो 60 साल पहले का सपना पूरा हुआ। और कहा जाता है कि तीर्थ तो माँ बाप के चरणों में होता है, और अगर माँ बाप साथ हो और एक तीर्थ भी हो तो मेरे लिए तो डबल धमाका है। तो चलिए आपको और भी मंदिरों के दर्शन कराएंगे।